जल्दी फोकस करो। तो दोस्तों अभी हम लोग मौजूद हैं, देख सकते हैं हमारे तो गाइस अभी हम मौजूद हैं, देख सकते हैं हमारे पीछे कितने सारे अभी लगे पड़े हैं टेंट वगैरह। तो शादी का वेकेशन है, मेन फंक्शन जो है वो तिलकोत्सव है, तो उसी में अभी शिकस्त होने वाले हैं। अभी तो शाम हुई है, देख सकते हैं लाइट वाइट जलना स्टार्ट हो गया। बाकी प्रबंध देखा जा रहा है दोस्तों कैसे हो रहा है। देखिए अभी तीन काम इधर, देखिए इधर ये सब लगा है। बाकी बन रहा भैया मेवा मिलाना है तेरे इधर करवा, इधर सब खाने पीने पूरी व्यवस्था तगड़ा, उधर चाट पकौड़े, इधर चाउमीन वगैरह, इधर ठीक है भैया। ये कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, बोल दीजिए कुछ। अब यही बोले भैया शर्मा माहिक बुला होते हो। तंदूर लग रहा है दोस्तों, ये देखिए। चलो भैया नहीं 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 बनाओ जी, ये बन के रेडी है, वहाँ से लग रहा है भट्टी। Two thousand years later. वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। अभी हैं पा मनीष के घर पे और आज है उनकी शादी। इधर गाड़ी वाड़ी सज रही है और डीजे वीजे बज रहा है आगे की। हाँ कोई सजावा है एक बाजी, प्रमोशन भी तो हुई। हट गई हटा दे फुल हट 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 ऐसा रहे। तो यहाँ पे गाड़ी सजाया जा रहा है शांत सजाए तो सज रहा है यहाँ पे। तो दोस्तों हेलो गाइस, हेलो गाइस, हाँ आपका बहुत बहुत स्वागत है। लगभग लगभग गाड़ी सज गई है, इधर है अपनी गाड़ी और उधर डीजे बज रहा है और सब गाड़ियाँ उधर स्कॉर्पियो लग रही हैं। I remember the days, always at the same place. The same people every day. I will never forget. इधर सब गुलाब गुलाब लग रहा है। फोटो ले लो सबका। Yeah.
तो अभी रात के बजे हैं एक, हमारे मनीष भाई तैयार हैं जमाल के लिए। बहुत हालत खराब है, घर से ही हम लोग लेट निकले हैं और बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। इधर सब ये मौर और रखा है और अभी जो लपकौर वाला रसम पूरा हुआ है, हम लोग अब जा रहे हैं जमाल के लिए। और कुछ गाड़ियाँ अभी हम लोग हैं जनवासे में, हैं अभी जनवासे से जा रहे हैं घर की तरफ। देखते हैं रस्म कब तक होता है। वैसे तो शादी 11 तो थी लेकिन अभी 12 तारीख हो गए, तो यही होता है। फिलहाल चलते हैं। ये क्या हाल है? बहुत ही अच्छा है दोस्तों। अभी जयमाल के लिए जा रहे हैं, जयमाल के लिए जा रहे हैं दोस्तों। थोड़ा सा अभी बहुत ही बिजी शेड्यूल है, क्या बताया जाए दोस्तों, हालत ख़राब है। ब्लॉग में बने रहने के लिए धन्यवाद। और आज का दिन बहुत ही शुभ है, थोड़ा उतना एनर्जी नहीं है दोस्तों, क्योंकि एनर्जी नाचने में खर्चा हो गया दोस्तों। और हमारे ही बहुत खास मेहमान जो हुआ करते थे, आज वो बहुत ही खास है, आप देख सकते हैं। इंट्रोड्यूस कराएं हमारे मनीष भाई। तो ये रहे दूल्हे के रूप में, आज देसी गोवंतु ब्लॉग फैमिली इनको दूल्हे के रूप में देख सकती है दोस्तों। क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है। और जो हाँ भैया गिर जाते हो तो हमारे यहाँ दूल्हे जी कुछ स्वागत करते हुए आइए ना सर। आराम से ओके आराम से। देखिए नीचे साड़ी तो नहीं फंस रही है? नहीं नहीं, पल्लू फंस रहा है तो रात में पल्लू हटा देंगे। ये सर ये ऐसा रुकी जब मैं कहूँगा तब बंद करने, तभी बंद कीजिएगा। ओहो बहुत धूप है यहाँ, थोड़ा सा इधर देखिए सर, इधर देखिए सर। ओहो चलिए चलिए यहाँ आइए। ये पुष्प माला से स्वागत। ये देखिए इसको मैंने बैठाया, पुष्प गिरा है देखिए। वो जो आप सोच रहे हैं पुष्प वाली चीज जो पता चलिए ऊपर। तो गाइज अभी हम लोग हैं, सुबह का टाइम हो गया है, अभी शादी होती है और हैं जनवासे में। अभी यहाँ पे सारा जनवासे में कपड़े उपड़े दूल्हा चेंज कर रहे हैं, फिर विदाई विदाई का कार्यक्रम प्रारंभ होगा। अभी थोड़ा 12-1 बज सकते हैं। यहाँ सब लोग फोटो करा रहे हैं दूल्हे के साथ हैं। खींचे भैया, हमारे वाला ऐसे वीडियो सिर्फ बना ला। शहर कैमरामैन प्रशांत के साथ इधर देख लीजिए सर, हाथों में से लटका लेकर जो हाथों में से पकड़ा है। अरे वहां चलो, अरे सॉरी भैया, कोई ऐसा कैमरा नहीं है मेरा। चल ले लड़का, मैं आगे चलो देखो अगर ना तो कल आ गए। अब तू पकड़ लियो मां मम्मी। अरे अब
कैसा लगा ये ब्लॉग, ये वेडिंग ब्लॉग था, तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। इसमें तिलक और शादी दोनों का ब्लॉग मिक्स रहा। जो छोटे छोटे क्लिप बने थे वो हम इसमें ऐड कर दिए हैं। आई होप आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मनीष भाई के लिए थोड़ा बधाइयाँ भी कमेंट बॉक्स में भर दें, जिससे कि वो देखें, उनको अच्छा लगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बने रहें।